जितने भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो मेजॉरिटी लोग फिजिक्स से डरते हैं, बायोलॉजी उनका कंफर्ट जोन होता है। बट इस बार के जो नीट का पेपर था उसमें बायोलॉजी ने अनफॉर्चुनेटली सबका बैंड बजाया है। उसमें काफ़ी लंबे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आए, एंड इसकी वजह से जो टाइम हुआ वो काफ़ी किल हुआ उनका। जो नॉर्मली बच्चे 40-45 मिनट में पूरा का पूरा बॉटनी एंड जुआ का सेक्शन कंप्लीट कर लेते थे, उनको 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे 20 मिनट तक भी लगाए। मतलब ये मैं अच्छे बच्चों के फीडबैक पे बात कर रहा हूँ आपसे। तो इससे क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा टाइम लग गया तो कहीं ना कहीं वो पैनिक बटन अंदर से एक दब गया, और जो अच्छा कर रहे थे फिजिक्स में, अच्छा करते मैं 100% श्योर था, उनका भी कहीं ना कहीं पेपर गड़बड़ा गया। तो मैं इस पे क्या बोलूँ, मैंने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन आपको, आप सभी को मतलब एक दिन पहले भी बोला था कि अगर कोई पर्टिकुलर पेपर में आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, अगर डिफिकल्ट हैं, तो उनको छोड़ के आगे बढ़िए, उस क्वेश्चन पे अटक के मत रखिएगा। क्वेश्चन को दिल से नहीं, दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करने का है। बट मैं साइमल्टेनियसली ये भी समझता हूँ कि एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट एक अलग टेम्परामेंट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें याद नहीं आती है। तो इसीलिए आप वहाँ पे गए, आपने एग्जामिनेशन दिया है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। आपने जो भी परफॉर्म किया है वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है। आपको पता है कि अब क्या करना है आगे, मतलब भाई आज के लिए दुख तो होगा काफ़ी। ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, मुझे भी दुख हो रहा है। मैं काफ़ी देर से आप सभी से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मतलब कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ, मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा हूँ। कोई रो रहा है, कोई रो रही है, अंदर से मुझे भी लग रहा है। बट अभी क्या है कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से मतलब बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आएगा ज़रूर। आज को अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वाले अगर बोलते हैं मत रो, तो बोलना बीबी सर ने रोने के लिए बोला है, हल्का होता है। आप अगर रो लेते हैं किसी बात को लेकर, तो इससे आप कमज़ोर साबित नहीं होते हैं, आप हल्के हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और अगर घर वालों के सामने नहीं रो पा रहे हो तो मुझे कॉल करके रो लो, मैं सुन लूँगा चुपचाप से। मैं कुछ ना भी बोलूँ तो एटलीस्ट कान लगा के सुन लूँगा ज़रूर कि ठीक है आप क्या बोल रहे हो। तो इसीलिए आप इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लो और बस इंट्रोस्पेक्ट करो। अगले साल के लिए फिर से अगर समय है हाथ में आपके, तो अगले साल के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दो, एंड बस उसी लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्योंकि फिजिक्स का पेपर तो बहुत आसान था, बस यही है कि आपको अटेम्प्ट करना था। अगर अटेम्प्ट करते तो आपको पता चलता कि ये आराम से 150 वाला पेपर था। और बायोलॉजी में उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन लीजिए, जो भी स्टैंडर्ड पे प्रिपरेशन आपको लेना है, ठीक है। एंड कुछ भी तकलीफ हो तो कॉल करिए, डोंट वरी। आज मैंने वैसे भी क्लास ऑफ कर दी है, मतलब क्योंकि मेरे को वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड करना था, 7 7 8 बजे, 7 7:30 बजे तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। क्योंकि आप अगर देखोगे तो शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिए थे, बट मैं डिटेल सॉल्यूशन अपलोड नहीं कर पाया। अब वो डिटेल सॉल्यूशन को बेसिकली अपलोड करने के लिए मैं लगातार बैठ रहा हूँ, बट कॉल आ रहा है तो मैं कर नहीं पा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। फिर फाइनली मैंने देखा कि आज क्लास 10 बजे का था, तो वो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अपलोड करना है सॉल्यूशंस भी। तो अभी मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग ख़त्म किया है डिटेल सॉल्यूशन का, उसको अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, एंड लेट्स सी। आप देखिए और एनालाइज करिए, कोई तकलीफ हो तो बताइए। बताइए।